जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल सकता है कई सालों तक। माउंटेन वॉरफेयर के लिए नीरव ने ऑर्डर करी स्वाति MK2 की 6 यूनिट्स। मलेशियन प्रोग्राम में भारत का तेजस टॉप कंटेंडर। MMRCA का सर्कस चलेगा अभी और लंबे समय तक। और भारत की पहली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक करेट मिसाइल प्रोडक्शन के लिए तैयार। रशिया और यूक्रेन के वॉर को 120 दिन तो ऑलरेडी हो चुके हैं और अभी भी ये जारी है। और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेकर अब जो वेस्टर्न लीडर्स हैं, वे रशियन राष्ट्रपति के इरादों के बारे में दो खास तरह के रियलाइजेशंस पर धीरे धीरे पहुंच रहे हैं, जिसमें से पहला यह है कि वेस्टर्न लीडर्स को ये लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया का जो ये वॉर है, ये अभी जल्दी से पूरा होने वाला नहीं है और निकट भविष्य में ये जारी रहेगा। और दूसरी बात, वेस्टर्न लीडर्स को ये भी लगता है कि एक ऐसे भविष्य की कल्पना करने की कोशिश करना व्यर्थ है जिसमें रशिया के साथ संबंधों को आपसी अविश्वास और शत्रुता द्वारा किसी अन्य चीज की विशेषता है। और जबकि एक जर्मन न्यूज़पेपर के साथ खास इंटरव्यू के दौरान नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनकी तरफ से तो इस बात का अनुमान लगाया गया है कि रशिया यूक्रेन का जो एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये कई महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक चल सकता है। और बाकी रशिया यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट से याद आया, आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम ना सुना हो, और अगर किसी ने पहले नहीं भी सुना था तो उसने भी रशिया और यूक्रेन के इस विवाद के बीच तो इसका नाम जरूर सुन लिया होगा, क्योंकि चेर्नोबिल यूक्रेन में स्थित दुनिया के सबसे रेडियो एक्टिव प्लेसेस में से एक है। और अभी जब रशिया और यूक्रेन के बीच ये विवाद शुरू हुआ था, तब इसी बीच एक परमाणु खतरे की भी स्थिति पैदा हो गई थी। और ये तब हुआ था जब हजारों की संख्या में रशियन ट्रूप्स, रशियन टैंक्स चेर्नोबिल के एक्सक्लूसिव जोन की तरफ आगे बढ़ने लगे थे और वहां पर हमला कर दिया था। लेकिन क्या आप ये जानते कि जो ये चेर्नोबिल है, ये दुनिया के सबसे अधिक रेडियो एक्टिव प्लेसेस में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो अगर आप इसके बारे में जानने में रुचि रखते हैं, तो आज हम आपको एक ऐसी बेहद ही खास ऑडियो बुक रिकमेंड करने जा रहे हैं जो कि आपको 1986 में चेर्नोबिल में घटी उस घटना के बारे में बताएगी जिस घटना ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। और ये दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी में से एक मानी जाती है। और इस चेर्नोबिल 1986 ऑडियो बुक को आप बड़ी आसानी से कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं भारत के लीडिंग ऑडियो शोज प्लेटफॉर्म कुकू FM पर, जिसमें आपको इसी तरह के काफी अलग अलग टॉपिक्स रिलेटेड ऐसी कई सारी कमाल की ऑडियो बुक्स, बुक समरीज देखने को मिलती हैं, जिन्हें आप कहीं भी और कभी भी सुन सकते हैं। और अगर अभी आप इनका एनुअल सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो वो आपको मिलेगा 50% डिस्काउंट के साथ। बस उसके लिए आपको हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना है, और जिसके इस्तेमाल से आप इनके 399 रुपीज के एनुअल सब्सक्रिप्शन को हासिल कर सकते हैं मात्र 199 रुपीज में। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने कुकू FM की मोबाइल एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक करके आप इनकी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद कई सारे कमाल के कंटेंट से कई सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और हाँ, हमारे कूपन कोड DS50 का इस्तेमाल करना ना भूलें। द इंडियन एक्सप्रेस के साथ एक खास बातचीत के दौरान BEL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से बताया गया है कि इंडियन आर्मी की तरफ से भारत के स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के माउंटेनियस वर्जन के ऑर्डर्स भी प्लेस किए गए हैं, जो कि मुख्य रूप से हायर एल्टीट्यूड्स पर इस्तेमाल की जाएगी। और BEL को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार के इस माउंटेनियस वर्जन की 6 यूनिट्स के ऑर्डर्स मिले हैं। और इस स्वाति रडार का एक नया वेरिएंट है जो कि वजन में हल्का है और ये पूरी तरीके से स्वदेशी है। और BEL चेयरमैन का कहना है कि उन्हें इसके और भी ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे स्वाति रडार के जिस माउंटेन वर्जन की बात की जा रही है, उसे असल में नाम दिया गया है स्वाति MK2 का, जो कि सबसे पहले एयरो इंडिया शो 2021 में सामने आई थी। और जबकि BEL ऑफिशियल के मुताबिक स्वाति रडार का जो पहला वाला वर्जन है, तो उसके करीब 30 यूनिट्स ऑलरेडी इंडियन आर्मी की सर्विस में है, और LOC पर इनके परफॉर्मेंस के आधार पर इसके लाइटर वेट वर्जन के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑर्डर्स प्लेस किए गए हैं। बाकी इस रडार की खासियत आपको पता ही होगी कि ये 60 से 80 किलोमीटर की रेंज से फायर किए गए दुश्मन के गन्स, मोटार्स, रॉकेट लॉन्चर्स, तो इन सभी को ऑटोमेटिकली लोकेट कर सकता है और टारगेट को डिटेक्ट करने की, उन्हें लोकेट करने की और ट्रैक करने की जो इसकी कैपेबिलिटी है, उसे हैंडल करता है इसमें इस्तेमाल होने वाला एक एडवांस्ड एल्गोरिथम। और बाकी अगर बात करें स्वाति MK1 और MK2 के डिफरेंस की, तो इन दोनों में काफी ज्यादा फर्क है। सबसे पहला फर्क तो उनके वजन को लेकर ही है। स्वाति MK2 MK1 के कंपैरिजन में ज्यादा हल्का है। स्वाति MK1 के विपरीत स्वाति MK2 को 6x6 ट्रक पर माउंट किया गया है, जबकि स्वाति MK1 को 8x8 के हैवी ड्यूटी ट्रक पर माउंट किया गया है। और बाकी स्वाति MK2 दो व्हीकल कॉन्फ़िगरेशन में भी आती है। और बाकी आपको ये भी क्लियर कर देंगे, स्वाति MK2 माउंटेन वॉरफेयर के लिए खास तौर पर कस्टमाइज किया गया वर्जन है। इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया का जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला टेंडर है, तो इसमें भारत का LCA तेजस टॉप कंटेंडर के तौर पर उभर कर सामने आया है। और उसकी खास वजह है भारत की तरफ से मलेशिया के लिए ऑफर किए जाने वाला एक बेहद ही खास तरह का पैकेज, जिसमें LCA तेजस तो है ही, लेकिन इसी के साथ साथ मलेशियन एयरफोर्स के पास जो सुखोई Su-30 MKM फाइटर्स की फ्लीट है,
तो उस फ्लीट को फ्लाइट वॉर्दी बनाए रखने के लिए भारत ने एचएएल के पास उपलब्ध सुखोई फाइटर्स के वास्ट स्पेयर्स, रिजर्व और टेक्निकल एक्सपर्टीज को भी शेयर करने का ऑफर दिया है। वर्तमान समय में जो मलेशियन एयरफोर्स है वो करीब 18 सुखोई Su-30 MKM फाइटर्स को ऑपरेट कर रही है, और जो कि कई सारी चीजों में इंडियन एयरफोर्स द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स वाले वर्जन के सिमिलर हैं। और इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक मलेशिया के लिए जो भारत की तरफ से डुअल पैकेज का प्रस्ताव दिया गया है तो उस पर एक डिटेल डिस्कशन हो चुका है, और जो फाइनल डिसीजन है उसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट रूट के माध्यम से लिया जा सकता है। और रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो रशिया पर वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा कई सारे सैंक्शंस लगाए गए हैं तो उन सैंक्शंस से प्रभावित होने वाले देशों में मलेशिया भी आता है, और इसी के चलते मलेशिया को अपने रशियन ओरिजिन के फाइटर्स के स्पेयर पार्ट्स और अदर सप्लाईज को मेंटेन करने में काफी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा है। तो इसलिए अगर मलेशिया अपने टेंडर में भारत के LCA तेजस को चुनती है तो LCA तेजस के फीचर्स के साथ साथ उन्हें उनके सुखोई फाइटर्स को मेंटेन रखने वाला पैकेज भी मिलेगा। बाकी LCA तेजस अपने लो एक्विजिशन कॉस्ट और हाई टेक्निकल रेटिंग्स के कारण इस टेंडर में एक टॉप कंटेंडर के तौर पर सामने आया है। भारत की तरफ से LCA तेजस MK1A वर्जन को पेश किया गया है जो कि मॉडर्न AESA रडार, नए एवियोनिक्स और कई सारी खासियतों के साथ आता है। और मलेशिया के स्टैंडर्ड में जो बाकी के स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं मुख्य रूप से साउथ कोरिया और चाइना, तो वे फिलहाल अभी ऐसी पोजीशन पर नहीं है कि वे मलेशिया के सुखोई फाइटर्स को मेंटेन रखने वाला एक खास तरह का पैकेज ऑफर कर सके जैसा कि भारत कर सकता है। तो आज एक बार फिर से स्वागत है आपका MMRCA सर्कस में। तो अभी तक तो हम इस MMRCA डील को लेकर 3 अलग अलग रिपोर्ट्स देख चुके हैं, और अब एक नई चौथी रिपोर्ट सामने आई है जो कि है बिजनेस वर्ल्ड की तरफ से। और इस रिपोर्ट में हाई लेवल के मिलिट्री सोर्सेज के हवाले से यह बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स 114 फाइटर्स को खरीदने वाले जो ये MMRCA डील है तो इसे अलग अलग प्रोक्योरमेंट मॉडल्स के तहत दो पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है। और रिवाइज प्रोक्योरमेंट कॉन्सेप्ट के तहत इसका जो पहला पार्ट है या यू कहें जो पहला फेस है तो उसमें बाय ग्लोबल मेक इन इंडिया कैटेगरी के माध्यम से 54 फाइटर्स को लिया जाएगा, जिसमें से 18 फाइटर्स फ्लाई अवे कंडीशन के तहत लिए जाएंगे, और जो 36 फाइटर्स बचेंगे वो OEM भारत में अपने लोकल पार्टनर के साथ मैन्युफैक्चर करेगी। और इंडियन एयरफोर्स इस फेज वन को जल्द से जल्द स्टार्ट करना चाहती है, और इसी के लिए उद्देश्य बनाया गया कि इस साल के अंत तक इस फेज वन के लिए RFP जारी कर दी जाए, फिर इसके बाद आएगा फेज टू। और जिसको लेकर इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि एक्चुअल में कोई प्रोग्राम भी नहीं है बल्कि अभी ये केवल एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इंडियन एयरफोर्स के लिए 60 फाइटर्स की खरीद शामिल है। और इस फेज टू में जो प्रोक्योरमेंट मॉडल अपनाया जाएगा वो होगा बाय इंडियन, यानी कि ये फाइटर्स इंडियन प्रोडक्शन पार्टनर से लिए जाएंगे जिसे फेस वन में OEM ने चुना था। और सोर्सेस के हवाले से ये भी कहा गया है कि इस पूरी परियोजना की अस्पष्टता को स्वीकार करते हुए फेस टू वाला जो एक कॉन्सेप्ट है तो ये करीब 7 से 8 साल बाद ही एक प्रोग्राम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यानी कि कन्फर्म नहीं है कि होगा ही। और बाकी इस रिपोर्ट के साथ हम ये तो कह सकते हैं कि जो MMRCA वाला सर्कस है ये अभी और लंबा चलने वाला है। और बाकी इस लेटेस्ट रिपोर्ट पर आपके जो भी विचार हैं आप उसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। बाकी एयरफोर्स से जुड़ा एक अपडेट ये भी सामने आया है कि 22 जून को इंडियन एयरफोर्स एयर वॉरियर्स की एक टीम इजिप्शियन एयरफोर्स के साथ एक बाइलेटरल टैक्टिकल लीडरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए इजिप्ट पहुंच चुकी है, और इस प्रोग्राम में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई Su-30 MKI फाइटर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि गोवा में स्थित INS हंसा में ऑस्ट्रेलिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ डिफेंस रिचर्ड मार्लेस और उनकी टीम के सामने भारत के स्वदेशी वरुण नाम के पर्सनल एयर मोबिलिटी व्हीकल को डेमोंस्ट्रेट भी किया गया था। और इस वरुण की खास बात यह है कि इसे मूविंग शिप से लॉन्च भी किया जा सकता है और रिकवर भी किया जा सकता है, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा स्टोर्स और पर्सनल के इंटरशिप ट्रांसफर के लिए। हैदराबाद बेस्ड VEM टेक्नोलॉजीज द्वारा विकसित की गई भारत की पहली स्वदेशी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल जिसका नाम है एसीबल, जो कि पिछले कुछ सालों से रक्षा मंत्रालय और पब्लिक सेक्टर म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड के एसोसिएशन के साथ अंडर डेवलपमेंट स्टेज में थी, तो अब इसे कई अलग अलग प्लेसेस पर टेस्ट किया जा रहा है। और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि एक बार इसके लिए फाइनल अप्रूवल्स मिलने के बाद फिर हम इसके प्रोडक्शन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। और द हिंदू के साथ खास बातचीत के दौरान VEM टेक्नोलॉजीज के फाउंडर की तरफ से बताया गया है कि उनके पास 10,000 टैक्टिकल मिसाइल्स को एक साल में डेवलप करने का लाइसेंस भी है। और बाकी अगर आप इस असीबल मैन पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पर हम वीडियो बहुत पहले बना चुके हैं, आप उसके माध्यम से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें केंद्र की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट को बताया गया है कि किसी भी एजेंसी को सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस या नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड जैसे सर्विलियंस प्रोग्राम के तहत इन्फॉर्मेशन या फिर किसी भी मैसेजेस के इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग या डिक्रिप्शन की ब्लैंकेट परमिशन नहीं दी गई है। और ये भी कहा गया कि किसी भी मैसेज या इन्फॉर्मेशन जो कि कंप्यूटर सोर्सेज में स्टोर है तो उसके इंटरसेप्शन, मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन के लिए केवल ऑथराइज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ही अलाउ किया गया है जिनके पास लीगल और स्टैट्यूटरी पावर्स हैं, और हर एक मामले में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल भी लिया गया है। और केंद्र की तरफ से एक PIL के रिस्पांस में जवाब दिया गया है, और उस PIL में क्लेम किया गया था कि भारत सरकार के जितने भी ये सर्विलेंस प्रोग्राम है
पे, चाहे वो नेटग्रिड हो, नेत्र हो, सीएमएस हो या फिर ऐसे ही बाकी सब, तो इनसे भारतीय नागरिकों की प्राइवेसी राइट्स को खतरा है। और जो पीआईएल है, ये सीपीआईएल और एसएफएलसी जैसे एनजीओ द्वारा संयुक्त रूप से फाइल की गई थी। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। तो आज के दिन 2017 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी मोहम्मद आयु पंडित ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1999 में कारगिल वॉर के दौरान नायक आर कामराज और गनर युगेंद्र दीक्षित वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1987 में नायब सूबेदार बाना सिंह ने सियाचिन में अपनी टोली के साथ सैकड़ों मीटर ऊंची खड़ी बर्फ की दीवार चढ़कर दुश्मन की कायद चौकी पर कब्जा किया था और आज उसे बाना पोस्ट के नाम से जाना जाता है। और हमारे इस वीर को भारत के हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। बाकी आपके लिए आज का सवाल, इंडियन नेवी के सबसे पहले प्रमुख कौन थे? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइंस को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।